आप इंडिया या पाकिस्तान से हैं और आप दुबई, सऊदी, ओमान, बहरीन, कतर यहाँ पे रह रहे हैं, तो ये स्पेशल वीडियो आपके लिए है। टोटल 1 मिनट की वीडियो है, लास्ट भी आपने देखनी है। एक स्कूल टीचर ने अपने सब बच्चों से कहा कि, क्योंकि आपको पता होगा कि जो डस्टबिन होता है वो अक्सर दरवाजे के पास होता है, तो एक स्कूल टीचर ने कहा कि सब बच्चों से, यार आप अपनी कॉपी से एक एक पेज लो, उसको ऐसे मरोड़ दो और ऐसा कुछ बाल सा बना दो, जो भी बना दो उसको ऐसा इकट्ठा कर दो। उसके बाद सबको बोला कि भाई इसमें आप डालो, ये जो सामने आपके डस्टबिन पड़ा है ना, अपने अपने सीट में बैठ के आपने इसमें फेंकना है। तो बहुत ज़्यादा जो फ्रंट लाइन वाले थे या सेकंड या थर्ड वाले, उन्होंने तो इजीली डाल दिया उसमें, ऐसे बैठ के फेंका, सीधा उसमें चला गया। जो पीछे वाले थे उनको थोड़ा मुश्किल हुआ। तो लाइफ में भी एग्जैक्टली ऐसा है, जो बंदे इंडिया पाकिस्तान से हैं और ऑलरेडी दुबई, सऊदी, ओमान, बहरीन में हैं, वो ऑलरेडी फ्रंट लाइन में है। और दूसरी बड़ी बात, जो भी बंदे इंडिया पाकिस्तान से हैं उनको बहुत बड़ा एडवांटेज है कंटेंट क्रिएटर बनने में। आप अगर यहाँ पर रह रहे हो, सिर्फ खाना खाते हो, काम करते हो, तो आप कंटेंट क्रिएटर भी बन सकते हो, क्योंकि ऑडियंस बहुत बड़ा है हिंदी और उर्दू लैंग्वेज का। इसमें नेपाल से भी काफ़ी भाई आते हैं, बांग्लादेश से भी आते हैं, तो आप इजीली कंटेंट क्रिएटर भी बन सकते हैं। उस मतलब अगर आप लाइफ में आगे जाना चाहें तो आप ऑलरेडी फ्रंट लाइन में हैं। आप बहुत ज़्यादा, आपके पास एडवांटेजेस हैं जो इंडिया और पाकिस्तान में या बांग्लादेश में या नेपाल में बंदे हैं उनके पास नहीं है। तो ये एक बात है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस हैं। सिर्फ ये बात है कि जो पीछे वाले बंदे थे वो कह रहे थे कि यार हम भी काश फ्रंट या सेकंड रो में होते। जो फ्रंट वाले थे उनको कोई पता ही नहीं था कि उनके पास कितना ज़्यादा आसानी है ऑलरेडी। जैसे दुबई में यहाँ पे रहते हुए बहुत बंदे नेटफ्लिक्स और ये वो चला चलो के काम चलाते हैं, टाइम वेस्ट कर देते हैं, हालांकि बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये एक बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। ओके जनाब।